इस वेलकम बैक इन दिस वीडियो। 1,25,000 शिक्षकों को 2 नवंबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं। 1,25,000 शिक्षकों को 2 नवंबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र, वह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। आइए देखते हैं क्या है अपडेट। अनुरोध होगा कि एक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिहार लोक सेवा आयोग चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक रूप से जो है नियुक्ति पत्र देगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शेष शिक्षकों को उनके काउंसिल वाले जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जी दोस्तों, कहा जाए कि 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। शेष शिक्षकों को उनके काउंसलिंग वाले जिले में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में सभी DM को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि वो अपने हाथों से जिले के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। परमंडल मुख्यालय में परमंडलीय आयुक्त से नियुक्ति पत्र वितरण का आग्रह करें। मुख्यमंत्री 3 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे, इसलिए वहां नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक 2 बजे तक गांधी मैदान पहुंच जाए। या दोस्तों, 20,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री के हाथों मिलने हैं, तो कहा जाए कि वे 2 बजे तक, कहा जाए मुख्यमंत्री 3 बजे पहुँचेंगे तो 2 बजे तक शिक्षक जो है गांधी मैदान पहुँच जाएँ, इसलिए वहाँ नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक 2 बजे तक गांधी मैदान पहुँचेंगे। गांधी मैदान में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में जिले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उन्होंने निर्देश दिया है कि गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जैसे ही नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, उनके तुरंत बाद ही जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्य शुरू हो जाए। 14,000 अभ्यर्थी चयनित। जी हाँ दोस्तों, एक अपडेट यह है कि दूसरे राज्यों के बिहार शिक्षक नियुक्ति में जो है लगभग 14,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कुल 1,20,336 में करीब 14,000, करीब 12% दूसरे राज्यों के हैं। ये सभी प्राथमिक शिक्षक के रूप में अनारक्षित वर्ग में चयनित हुए हैं। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं झारखंड, हरियाणा आदि राज्यों के अभ्यर्थी भी नियुक्त हुए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए STT माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था, जिसका आयोजन सिर्फ बिहार में ही होता है। इस कारण 9वीं से 12वीं में दूसरे राज्यों के शिक्षक चयनित नहीं हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा के रूप में कुल 72,000 चयनित हुए हैं, उनमें 14,000 दूसरे राज्यों के हैं। मालूम हो कि अनारक्षित वर्ग में राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति में आवेदन देने की छूट दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए STT का होना आवश्यक था और जिसका आयोजन सिर्फ बिहार में ही होता है। इस कारण 9वीं और 12वीं में दूसरे राज्यों के शिक्षक बनने, कहा जाए कि चयनित नहीं हो पाए हैं। तो यह था महत्वपूर्ण अपडेट। 1,25,000 शिक्षकों को 2 नवंबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ऐसे ही अपडेट के लिए हमसे आप जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।